गांव से निकल के बॉम्बे गए, कैसा लगता है गांव से निकल के कलाकार होके जाते हैं बॉम्बे और उस चकाचौंध की दुनिया में, कैसा लगता है? सर गांव तो पहली बात खुद ही अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है, गांव से ही शहर बसा, शहर से गांव नहीं, तो अपना गांव तो कोई छोड़ना नहीं चाहता पहली बात। लेकिन जाकर एक तरक्की का जो नियम है तो वो तो गांव में नहीं मिलने वाला है, तो उसके लिए भाग दौड़ करनी पड़ती है। ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन अपने गांव के लोगों की मोहब्बत, अपनी इस माटी की खुशबू, इस चीज़ से भी जुड़े रहना बहुत ही बहुत ज़्यादा पसंद है। आपके दिमाग में कैसे आया फिल्मों में जाने का, सीरियल में जाने का? दरअसल मैं बचपन से ही बहुत एक्टिव था, और यहाँ पर जो स्कूल्स हैं जहाँ पर मैं पढ़ाई करता था, तो वहाँ बचपन से ही मैं प्ले वगैरह 26 जनवरी और 15 अगस्त पे किया करता था। तो उसके बाद जब हमारे पिताजी का देहांत बहुत पहले हो गया और सब हमारे भाई बहन छोटे छोटे थे, मेरी उम्र भी कोई 14 या 13.5 साल की थी, तो उस वक्त ऐसा बोझ पड़ गया कि अब मतलब सिर्फ पेट पालना था, बाकी ये सब लाइन भूल चुका था कि मतलब अपना शौक और अपना पैशन जहन से निकाल दिया था। लेकिन बोलते हैं ना कि जब इंसान के दिल में कोई चीज़ अगर जुड़ी हो और शिद्दत से चाहे तो फिर कुदरत उसको मिला देती है। तो ऐसे ही मुंबई, संडे का दिन था, मैं जॉब करता था, सिंपली लाइफ थी, जॉब करता था, घर संभालता था, तो जा रहा था गेट ऑफ इंडिया घूमने, तो वहाँ पे फोर्ट एक जगह है, वहाँ पर शूटिंग हो रही थी लगे रहो मुन्ना भाई, एक फिल्म है बोले तो बोले वो कैसी होगी हाय, वो गाना का शूट चल रहा था। बस वो दिन और मेरे लिए वो पलट गई पूरी कहानी। वहाँ पे खड़ा होकर मैंने शूटिंग देखा और वो जज्बा जग गया जो हमारा बचपन का था। तब तक थोड़ा सा हालात भी सुधर गई थी, फिर मैंने मेहनत किया, प्रण लिया कि मैं अब करूँगा, फिर मैंने मेहनत करना चालू किया और किया। मांगनगरी की दुनिया में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, बहुत से लड़के जाते हैं, क्या इसमें कितना संघर्ष करना पड़ता है? बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और आपको मैं बता दूँ कि मेरे फेसबुक पर काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, और 99% युवक, यंगेस्ट युवक जो हैं वो लड़के यही प्रश्न करते हैं, सर हम भी चाहते हैं, दो चार दिन दोस्ती बनाएंगे, हेलो सर कैसे हैं कैसे, बाद में लास्ट क्वेश्चन होगा सर हमको भी बहुत शौक है, हम चाहते हैं सीरियल में आने के लिए। तो मैं यही एक सवाल उनसे करता हूँ कि बाबू शौक होना अलग बात है, 99% लोगों के दिमाग में यह है कि चकाचौंध की दुनिया में जाना है, लेकिन हो नहीं पाता है क्योंकि इतना संघर्ष है कि वो लोग उसको कर नहीं पाते हैं जितना चाहिए। कितने सीरियल तक किए आपने? सर नहीं नहीं करके 80-90 सीरियल तो हो चुका होगा। सबसे हिट सीरियल कोई चैनल में सबसे हिट सीरियल जो तहलका मचा रहा, सबसे बड़ा काम आज तक का बोल सकता हूँ तो दिया बाती, 14 एपिसोड मैंने किया था और उसके अंदर मेरा डबल रोल था, एक तो मुझे कहने में शर्म आ रही है लेकिन करेक्टर है, हमारी भूमिका है, अगर हमें भिखारी बना दे तो बनना पड़ता है, तो मुझे एक आतंकवादी का करेक्टर दिया गया था पाकिस्तान का, और दीपराज राणा जो कि हमारे लहा, उसके बाद मेरा रास्ता खुल गया, पहचान बनती चली गई, धीरे 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 हो गया। इतना स्ट्रगल रहा क्या संघर्ष? सर 7 साल मैंने स्ट्रगल किया इस लाइन के अंदर, 7 ईयर्स, उसके अंदर छोटे छोटे मिलते भी गए, लेकिन अब मार्केट के अंदर मेरे पास सिंटा का मैं मेंबर हूँ, सिंटा का कार्ड है, जिसके जितने आर्टिस्ट हैं शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन साहब, हमारे जितने लोग हैं सब लोग उसी यूनियन के मेंबर हैं, 8,000 से 9,000 मेंबर की वो एक यूनियन है सिंटा। फिल्मों की तरह सीरियल में भी आजकल अश्लीलता पुरसी जा रही है, लोग घरों तक टीवी पहुंच रही है। सर ऐसा है ना कि अश्लीलता तो जो है हमारे दिमाग में होती है, वो तो जब से दुनिया बनी है तब से थी और कयामत तक रहेगी, जब खत्म प्रलय तक। मसला ये होता है कि हम कितना ले रहे हैं। अब आपकी मोबाइल है, मोबाइल के अंदर मोबाइल दिया गया आपको काम के लिए, उसके अंदर चीप है, उसके अंदर आप चाहिए भजन डालिए, कुरान की तिलावत डालिए, चाहे पॉर्न वीडियो डालिए, मर्जी आपकी, आप आज़ाद हो, आपका जहन जितना काम करता उतना आप उस पर। तो अश्लीलता का मतलब क्या है, वो दैट्स अ बिजनेस, और बिजनेस के अंदर कुछ कई लोग कई तरह से सोचते हैं, सबका अपना अपना धंधा है भाई, बेचना है माल, बहुत सी चीजें होती, नहीं लगाया तो बिकी नहीं है। हाँ भाई, इस समय कौन-कौन से सीरियल आपके आ रहे हैं और आने वाले थे? सर अभी पिछले महीने तो मैंने क्राइम पेट्रोल की 2 स्टोरी किया, उसके बाद ये संतोषी माता में एक बहुत अच्छा सा करेक्टर किया था, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये है मोहब्बत है, सिर्फ पिछले ही महीने के अंदर मैंने 6-7 शो किया, एक छोटे छोटे करेक्टर किया तो अच्छा लगा, और ये 3 शॉर्ट फिल्में जो मैंने की है इससे मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला, लोगों ने बहुत प्यार दिया मेरी एक्टिंग को सराहा, और आगे भी मुझे काम करने का बहुत जज्बा, बहुत बड़ा करने का है, ये तो सिर्फ शुरुआत है, आप लोगों का यूं ही सहयोग रहेगा। 1 मिनट में बताइए कि गांव से निकल के और अब तक का जो सफर है वो कैसा रहा? सर गांव से निकल कर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरा सफ़र था, मैंने जो जो काम किए हैं शायद आपको मैं बता नहीं पाऊँगा, कि मैं मुंबई की गलियों में मैंने
बहुत से छोटे मोटे धंधे किए हैं भाई, पाव बेचने वाला, आपको खुल के बताता हूँ, मैंने पाव तक बेचा है मुंबई में, पाव बेचा है मैंने, केक बेचा है हाथ पे लेके, मेरे पास 10 रुपया नहीं होता था कि मैं एक टाइम का, मैं कसम खाई थी कि मैं 10 रुपये के ऊपर 11 रुपये खाना नहीं खाऊंगा एक टाइम का। उस टाइम में 6 रुपये की दाल फ्राई होती थी और 1 रुपये की रोटी, तो 4 रोटी दाल फ्राई, दैट्स ऑल, भूख लगी हो तो भी नहीं खाना है, बिकॉज ऑफ वही मेरी नीड थी। तो वो सब करके आज ठीक है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। सबसे बड़ा आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मीडिया लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो और मुझे आप लोगों ने इतना वैल्यू देकर यहाँ तक मुझे, आई कांट बिलीव कि मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं आज इस मकाम पर हूँ। लेकिन हमारे वालिद साहब नहीं है, अब हमारे बड़े अब्बू हैं, हमारा पूरा गाँव हमारे सपोर्ट में है, हमारे वसी भाई हैं नेताजी, मुझे ये देख कर मतलब यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं आज ये जो कुछ भी है ये सब बस कुदरत की, गॉड गिफ्टेड है, समझ लीजिए आप लोगों का सहयोग। स्ट्रगल के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? और वो भी अगर सही तरीके से करना चाहें तो उनके लिए भी स्कोप है, लेकिन होता क्या है ना कि मार्केट के अंदर मगरमच्छ बैठे हुए, आपको पता चल गया ना कि आप नए हो, आपको कुछ मालूमात नहीं है, तो चाहे पुरुष हो चाहे महिला, पुरुष को भी बहुत चीट होता है, 60-70 हजार रुपया गबन करके बेचारे के पास आने के किराया नहीं होते, दूसरे दोस्त यार से पैसे मांग के आता, ऐसी चीटिंग होती है। तो वो इंडस्ट्री की गलती नहीं, ये हमारे आप जैसे पब्लिक की गलती है। मुझे पता है कि मैं कुछ करवाने वाला, लो भाई पोर्टफोलियो करवा देता हूँ, ये करवा लू, 50-60 हजार रुपये झूस दे, तो ऐसे लड़कियों के साथ भी होता है, बेचारी चीट होती है बहुत ज्यादा, लेकिन उसमें कोई कसूर नहीं इंडस्ट्री का, आई सल्यूट इंडस्ट्री, मुझे इंडस्ट्री से कोई शिकायत नहीं है, मैं भाई मेरी रोजी रोटी है, मैं उसकी सल्यूट करता हूँ इंडस्ट्री को, लेकिन इंसान तो भाई हर जगह, आपके मीडिया कर्मी में ही 10 लोग अच्छे होंगे तो 5 लोग बुरे भी होते हैं, तो ये चीज होती है सर, बुरा कोई नहीं है, जगह कोई बुरी नहीं होती, कोई प्रोफेशन बुरा नहीं होता, लोग कहते हैं गलत, गलत कुछ भी नहीं है सर। संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहता हूँ हमारे नई पीढ़ी से कि भाई जितना हो सके प्यार मोहब्बत पैदा करो अपने लोगों से, अपने माँ बाप से, अपने दोस्त यार से, अपने अपने वतन से, अपने देश से, और सबसे बड़ी बात कि जो आजकल के पीढ़ी में जो नशा चल रहा है ना, चाहे वो मोबाइल का नशा हो, चाहे वो सिगरेट बीड़ी का नशा हो, तो ये सबसे ना यार अवॉइड करो, लोग जनरेशन खराब हो रही है डे बाई डे, जनरेशन बच्चे छोटे छोटे, मैं देखा 10-10 साल के लड़के ये सब चीज में बड़े हुए से, तो थोड़ा सा दर्द होता है यार कि हमारी पीढ़ी आगे, अभी तो वैसे ही लोगों की एज कम हो रही, आपके लोग 80 साल जीते थे, उनके पुरखे 100 साल जीते थे, अभी देखो 60 पर ब्रेक लगा हुआ, अब हमारी जनरेशन तो लगता है 40 में गिरने वाली है, तो आने वालों का क्या होगा, तो क्या बच्चा पैदा होगा और फिर 20 साल बाद बुढ़ा हो गया, तो ये चीजें, एक तो पर्यावरण भी इतना खराब रहा, उसके बाद फिर हमको पता उसके बाद भी हम अंदर चीजें गलत डाल रहे हैं, तो थोड़ा ये सब चीजें हैं आप लोगों के लिए है कि भाई रिक्वेस्ट है कि भाई दुनिया कोई सुधार नहीं सकता किसी को, ना मीडिया वाले सुधारेंगे ना हम सुधारेंगे ना कोई, खुद से अपने आप को सुधारना चाहो तो 100% सुधर सकते हैं। सो प्लीज आप लोग अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखो, यही कहना है मैं आप लोगों से। अब बहुत बहुत अपना पूरा परिचय बता दीजिए, कौन है आप और क्या करते हैं? जी मेरा नाम वसी अहमद, मैं इस गाँव का प्रधान हूँ, वर्तमान प्रधान, ब्लॉक हमारा वसी। आप डिस्ट्रिक्ट, आपके गांव का नाम रोशन हुआ है जी, एक युवा ने गांव का नाम रोशन किया, क्या कहेंगे आप? हम लोगों को बहुत खुशी है यार, हमको ना हमारे पूरे गांव को, गांव में इतनी खुशी की एक लहर चल रही है कि अब अपनी खुशी मैं आपसे बता नहीं सकता, बहुत खुशी है, और हर तरह से हमारा गांव इस नौजवान के साथ खड़ा है, हर तरह से इसकी मदद के लिए हम साथ। ठीक जी, क्या नाम है? देखिए सर, आपके भतीजे ने आपके गांव का नाम रोशन किया है, खुद आपका नाम रोशन किया है, जाके युवाओं को बढ़ावा देने की बात कही है, क्या कहेंगे आप? गांव की उन्नति बढ़ेगी, मैं सोचता हूं कि इनको देखकर गांव के नौजवान जो है हौसला बढ़ेगा इनका, और वो भी कुछ करने के लिए तैयार हूँ। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, हमें शौक है, हमें गर्व हो रहा है कि हमारी औलाद जो है तरक्की पे जा रही है, अगर वो तरक्की पे जाएगी तो हमारा गांव तरक्की जाएगा। ठीक है, थैंक।